दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी है। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की तरफ से ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार आईपीएल 2020 में खिताब जीता था। इसके बाद अगले 2 साल यानी 2021 और 2022 में वह प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस साल 2023 में टीम क्वालिफाई तो कर गई लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। 2022 में टीम सबसे आखिरी स्थान पर रही। दरअसल रोहित शर्मा जब से टीम इंडिया के कैप्टन बने हैं तब से भारत कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता है। इसको लेकर भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है। इसका असर मुंबई इंडियंस पर भी देखने को मिला। मुंबई इंडियंस खिताब नहीं जीत पा रही है। दोस्तों, जहां तक रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो T20 में वह बहुत अधिक रन नहीं बना पा रहे हैं। उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी T20 में उनका बल्ला बहुत अधिक नहीं चला है। संभवतः यही वजह होगी कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें हटाने का फैसला किया हो और उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा की बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें कप्तानी से हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा की टीम में वही अहमियत रहेगी जो पहले थी और वह समय समय पर हार्दिक पांड्या को टिप्स भी देते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटा के सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।